हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये मैंने बोला था आपको कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। जो मेरे पास जो फ़ोन आया है, जो डेट फ़ोन, जो कि आपका पोको X2 जो डेट फ़ोन आया था ऑनलाइन से, जो कुरियर से आया था, आप देख सकते हैं वहाँ मैंने थोड़ा मार्किंग किया था उस बोर्ड के ऊपर, जिसके अंदर पावर सप्लाई जो कि काम नहीं कर रहा था। ओके, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें CPU MMC को मैंने पहले से निकाल लिया था। आप ये मार्किंग को देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो मैंने ये मार्किंग किया था। और ये देखिए, CPU MMC पहले से निकाला हुआ है। मैंने बोला था कि इसकी सप्लाई जो है इसकी, उसको रेडी करूँगा और उसके बाद फिर मैं बोर्ड में MC या CPU को लगाऊंगा। ओके, तो सप्लाई लगभग मैं रेडी कर चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या सप्लाई इसकी जो प्रॉब्लम थी। देखिए फ्रेंड्स, की रिसेट की सप्लाई होती है 1.8 वोल्टेज, जो कि CPU और MMC अगर निकला हुआ है, CPU और MMC सॉरी UFS इसमें, तो CPU और UFS अगर इसमें रिमूव है तो इसमें जो सप्लाई बननी चाहिए आपकी 1.8 की सप्लाई, जो कि वेरिएशन कंडीशन में होनी चाहिए, उसका सप्लाई को मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसकी सप्लाई है, थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो रजिस्टर है, ये हमारा रिसेट का रजिस्टर है। यहाँ हमें 1.8 वोल्टेज वेरिएशन में मिलना चाहिए, स्टेबल नहीं मिलेगा क्योंकि CPU इसमें नहीं भी लगा नहीं हुआ है। तो यहाँ हम पहले चार्जर को कनेक्ट कर लेते हैं, चार्जर कनेक्ट नहीं किया इसके साथ, वोल्टेज नहीं आ रही है। चार्जर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर हम वोल्टेज को देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हमारे वेरिएशन कंडीशन में है, मतलब यहाँ तक हमारी सप्लाई ओके हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि हम CPU को अब लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको फाइंड करने में तो काफ़ी टाइम लगा मुझे, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो मैं सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ उसका वीडियो। अब देखते हैं हम CPU लगाने के बाद क्या सिक्वेंस बनता है इसका, और ये वाला हमारा जो फ़ोन है, जो मैंने जो डेट सेट आया था, वो हमारा रेडी होता है कि नहीं। और इसका जो MMC CPU था, वो मैंने पैकेट में रखा हुआ था ऑलरेडी, देख सकते हैं आप। मैंने साफ तक नहीं किया है क्योंकि मैंने लाइव करना था मुझे ये वाला। तो सप्लाई जो उसमें जो प्रॉब्लम थी, वो एक्चुअली कोई शॉर्टिंग की वजह से थोड़ी सी, और इसकी जो IC थी, वो प्राइमरी IC, वो ख़राब थी इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बोर्ड में काफ़ी छेड़छाड़ की गई है, लेकिन हम अब CPU को लगाएंगे। तो CPU लगाने के लिए हमें पहले रिबॉल करना पड़ेगा CPU को, तो प्रोसेस वही है साफ़ करने का। पहले हम CPU को लगाएंगे और उसके बाद हम जो कि हमारा जो UFS है उसको लगाएंगे। पहले CPU लगा के CPU का जो हमारा जो पोर्टिंग कंडीशन जो है, यहाँ पे जो CPU लगाने का जो कंप्यूटर में पोर्ट लेता है, उस कंडीशन को हम थोड़ा देख लेंगे, और उसके बाद ही हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो CPU लगा हुआ है बोर्ड ओके है। उस कंडीशन को हमें करने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से मैं काम को कर रहा हूँ। मैंने मेरे पास जो उस टाइम जो डेट आया था मदरबोर्ड, उस टाइम मेरे के पास टाइम नहीं था क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है सब ट्रेसिंग में। तो आप अब CPU को जल्दी से रिमॉल करूँगा मैं स्पीड से, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये फॉल्ट ठीक होता है कि नहीं। देखिए, CPU क्लीन करना, यहाँ हमारी जो हीट रहेगी, मैंने हर वीडियो में बताया है, फिर दोबारा बता देता हूँ मैं। इसमें CPU की जो हीट रहेगी, यहाँ पर हमारी जो SMD की SMD 857W+ जो कि क्विक का है। ओके, क्विक का है SMD, और यहाँ पे हीट इसकी जो है, यहाँ पे 300 हीट है, ज़्यादा नहीं करनी है, तो CPU हमारा डैमेज हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है, और इसको करेंगे, इसको हम काम करेंगे इसका। तो यहाँ पे थोड़ी PPT, गीली PPT दे देंगे, ताकि जो हमारा जो CPU है उसे अच्छे तरीके से हम रिवॉल्व कर पाएँ। यहाँ हमारे आयरन की जो हीट रहेगी वो 300 के लगभग रहेगी, 280 250 इस तरह से, और बोल को हमें चमका देना है।
ताकि रिबॉलिंग बढ़िया तरीके से हो जाए। आप देख ही पा रहे होंगे सब फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी टाइम लग गया वो ट्रेस करने में, क्योंकि टाइम नहीं मिला। और मैंने जो ट्रेस करी है मैंने उसको फाइंड कर लिया है, और मैंने आपको दिखाया वो वोल्टेज जो पहले नहीं बन रही थी और अब मैंने लगाया। अब हम सीपीयू को लगा सकते हैं, क्योंकि अब सीपीयू की जो वोल्टेज है वो बन रही है ऑलरेडी। तो यहाँ इन सब बातों का आपको ध्यान देना पड़ता है। देखिए ये जो चीज़ें हैं इसका डायग्राम प्रॉपर है आपके पास, आप आराम से कर सकते हैं। बिना डायग्राम के हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। बिना डायग्राम के अगर आप करते हैं तो उसमें थोड़ी मेहनत लगती है। और अब हम इसको रिवॉल्व करेंगे। और सीपीयू को लगाने का फिर हम पोर्ट चेक करेंगे। उसके बाद इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप काम को कर रहे हैं, कोई भी हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि काम हमारा लगभग लगभग होने की कगार पे है। तो देख लेते हैं हमारा जो स्टेंसिल है, स्टेंसिल कहाँ पर रख दिया मैंने, चलिए मिल गया स्टेंसिल हमें। और इसको हम रिवॉल्व करेंगे 7150, क्योंकि हमारा सीपीयू है यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं इसको हमने भी लगा लिया और हम इसको रिवॉल्व करने वाले हैं। तो यही फ्रेंड, यही तरीका है काम को करने का। सीपीयू कब वर्क करता है? जब तक सीपीयू की जो सप्लाई है, जो पावर आईसी अगर हमारी वर्किंग नहीं देगी, हमारे जो एलडीओ है बक सप्लाई जो हमारी काम अगर जब तक नहीं करेगी प्रॉपर, तब तक हम सीपीयू को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सीपीयू लगाने से कोई काम नहीं होगा। देखिए किसी भाई ने ट्रेस करके फ़ोन मेरे पास भेजा है, तो मैं कोशिश करूँगा इस फ़ोन को बनाने की। इससे पहले जो मैंने फ़ोन बनाया उसमें टच नॉट वर्किंग को बनाया, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और मैंने बना दिया है फ़ोन उनको। और ये फ़ोन डेढ़ आया मेरे पास, शायद हो सकता है मे बी इसका टच का प्रॉब्लम हो और उन्होंने इन फ़ोन को दिया हो बनाने के लिए और फ़ोन डेढ़ हो गया हो। तो उसी फ़ोन को मैं ठीक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं हमारा फ़ोन हो पा रहा है कि नहीं। कोशिश तो करेंगे और डेफिनेटली हो भी जाना चाहिए, कि अभी जहाँ तक जो मैंने चेक किया वो सप्लाई जो वर्किंग नहीं थी वो वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। देखिए कहीं कहीं बॉल जो है हमारे स्टेंसिल की वजह से थोड़ी सी इधर उधर हो चुका है, तो दोबारा से रिबॉल कर लेंगे फ्रेंड्स। एक बार रिबॉल नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, दो बार करिए, कोई ऐसी कोई ये नहीं कि एक ही बार में आपसे होना चाहिए। और नहीं होता तो उसके लिए आप गिल्टी फील करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हर काम एक चांस में परफेक्ट होगा हर बार, ऐसा कोई ये नहीं है। तो यहाँ मैं रिबॉलिंग को कर लेता हूँ और उसके बाद हम सीपीयू को लगाएंगे और हमारे जो मदरबोर्ड उसमें हम लगा के हमारी जो जो सप्लाई हमने देखी थी ढेरे शांति। सीपीयू लगाने के बाद वो हमारी होल्ड होनी चाहिए, तभी आपका कंप्यूटर में जो हमारा पोर्ट शो करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये रिवॉल्व हो चुका है, और रिवॉल्विंग करने के बाद हमें बॉल को थोड़ा सा और एक बार देख लेना है कि बॉल हमारा पूरा सब ओके होना चाहिए। फिर से एक बार थोड़ा सा हल्का हम स्लाइडली क्लियर थोड़ा सा कट कर लेंगे, ताकि हमारा जो कोई भी बॉल अगर छोटा बड़ा है तो वो हमारा एक चांस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चांस में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। वो आपका हैंड स्किल और आपका रिबॉलिंग का जो स्किल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिबॉल हमारा हो चुका है, तो अब हम इसको यहाँ पे एक्चुअली मुझे लगता है यहाँ पे एक जो बॉल है थोड़ा
थोड़ी सी छोटी बड़ी हो रही थी, यहाँ पर थोड़ा सा हम पीपीटी पहले दे देंगे, तो थोड़ा साफ करके दे देते हैं पीपीटी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दो तीन जगह पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पीपीटी यहाँ पे लगेगा, तो चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं। लेट होता है कोई दिक्कत नहीं है, हमें काम को करना है सक्सेस, तो उसमें लेट वाली जो गुंजाइश है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं करना चाहते। तो यहाँ हो चुका है, और ठीक है इसको हम निकाल लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने निकाल लिया इसको, रिवॉल्विंग हो चुका है लगभग। तो लगभग बढ़िया से रिवॉल्व हो चुका है, और हम लगाने का फिर हम पोर्ट चेक करेंगे। अगर हमारा पोर्ट बनता है तभी हम यूएफएस को लगाएंगे, नहीं तो फिर हमें और दूसरी जगह काम करना पड़ेगा, और भी जो सप्लाई उनको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारा जो आईसी है प्रॉपर रिवॉल्व हो चुका है, तो अब हम लगाएंगे सीपीयू को। तो ये हमारा मदरबोर्ड है, और यहाँ पे हम सीपीयू को लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप तरीके से काम को करना होता है, कि कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत जो हमारे मदरबोर्ड में है वो सॉल्व हो जाए। थोड़ा सा पेस्ट दे देंगे हम, और उसके बाद हम यूएफएस में सीपीयू को लगा लेंगे। सॉरी, यहाँ पे मार्किंग जो है दिया हुआ है एक्चुअली, ये देखिए इधर एक मार्किंग है, इधर एक मार्किंग है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब हम इसके बाद लगाने के बाद फिर हम तो यही कंडीशंस हैं जो आपको चेक करनी पड़ती है। क्योंकि ट्रेसिंग की जो चीज़ है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो ट्रेसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेसिंग की नॉलेज आपको आनी चाहिए। रिवॉल्विंग तो एक हैंड स्किल है, लेकिन मेन जो काम है वो ट्रेसिंग का है। जैसे ही ये लग जाएगा हम थोड़ा सा और पेच देंगे। तो ये हम अभी थोड़ा पेच दे सकते हैं इसमें, क्योंकि ये लग चुका है, और थोड़ा सा हल्का हिला लेते हैं हम बस इस तरह से, ज़्यादा जोर से नहीं करना है, सीपीयू लग जाएगा। उसके बाद हम फ्रेंड्स अब हम चेक करेंगे पोर्ट, कंप्यूटर में पोर्ट, और इसकी 1.8 की सप्लाई जो कि स्टेबल होनी चाहिए इस टाइम 1.8। पहले क्या था फ्रेंड्स, जब हमने सीपीयू को नहीं लगाया था उसमें वेरिएशन कंडीशन में थी हमारी सप्लाई, और अब जो हमें सप्लाई जो मिलनी चाहिए वो होल्डिंग कंडीशन में मिलनी चाहिए, हमारा जो होल्ड होना चाहिए यहाँ पे। तो होल्ड होने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सीपीयू वर्क कर रहा है, उसके बाद हम यूएफएस को लगा सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा ठंडा कर लेते हैं बोर्ड को, उसके बाद हम तब तक एक काम करते, जब तक बोर्ड ठंडा हो रहा तब तक हम इसको रिवॉल्व कर लेते हैं, हमारा जो यूएफएस है इसको रिवॉल्व कर लेंगे। ओके, यूएफएस को रिवॉल्व कर लेंगे जब तक हमारा मदरबोर्ड ठंडा होता है, ताकि हमारा काम आराम से हो सके। साफ करने का जो प्रोसेस है वही है, और साफ कर लेंगे। यह हमारी यहाँ भी हिट रहेगी हमारी 300, और वही कटर का इस्तेमाल करेंगे हम, जो हमारा ब्लेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लेड, सेम तरीका है काटने का।
टोटली जितने भी ये जो तरीके हैं मैं सेम इस्तेमाल करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये UFS है। हमारी लगभग ये साफ हो चुकी है और हम इसको थोड़ा शाइनी कर लेंगे, थोड़ा सा थोड़ा पीपीटी दे देंगे और शाइन कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे भी हम इसको शाइनी कर लेंगे, उसके बाद इसको रिवॉल्व कर लेंगे। जब तक मदरबोर्ड हमारा ठंडा होता तब तक हम इसको रिवॉल्व कर लेंगे ताकि हमें काम करने में थोड़ी सी आसानी हो सके। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा साफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं। और हम अब रिवॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम लगा लेंगे इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम रिवॉल्व करेंगे और उसके बाद अब हम इसको चेक करेंगे कि स्टेंसिल कहाँ पे गई है इसकी। एक्चुअली टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं जब भी मेरा ये फ़ोन जो मेरा रेडी हो गया, जब मुझे लगा कि नहीं इसमें भी मुझे काम करना चाहिए, एक्चुअली जब मुझे जो मैंने फाइंड किया इसमें मेरी 1 पॉइंट की सप्लाई जब ओके होगी तो मुझे लगा नहीं वीडियो बनाना चाहिए सेकंड पार्ट, नहीं तो फिर जो मैंने 1 पार्ट जो बनाया है इसका वो अधूरा रह जाएगा और मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। चलिए और अब हम इसको रिवॉल्व कर लेंगे। वहाँ CPU हमने लगा लिया है और वो ठंडा हो रहा है और उसी के जो बीच में जो टाइम हमें मिला है जो ठंडा होने का, उसमें हम इस UFS को रिवॉल्व कर लेंगे ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच सके। काम आपको इस तरीके से करना है कि आपका टाइम भी बच जाए और काम भी हो जाए। देखिए प्रॉपर हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें और स्लाइड भी थोड़ा कर देना और अब करेंगे रिवॉल्व। यहाँ हमारी जो है हम UFS को रिवॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा बहुत बोरिंग है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जिन लोगों को आता है उसके लिए कोई दिक्कत, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए बहुत सी जानकारी इसमें मैं दे रहा हूँ। टच के फ़ोन मैंने बहुत रिपेयर किए हैं लेकिन ये मेरे पास डेट का जो किसी ने कुरियर किया है, सॉरी लगता है हिल गया है, थोड़ा सा हिल चुका है। शिट, पूरी इसकी पूरी वाट लग गई, ये तो पूरा खिचड़ी फैल गया इसमें। चलो कोई बात नहीं। इस तरह से कभी भी आपका रिवॉल्विंग करते हैं अगर इस तरह से होता है तो एक काम करना है आपको इस तरह से कटिंग करके आपको, और फिर से आपको इसको इसी तरह ज़्यादा छीना झपटी नहीं करना है इसमें, आपको यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है इसी को। ऐसे निकल जाएगा, उसके बाद आपको इन बॉलों को थोड़ा सा ठीक कर लेना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेंसिल हिलने के कारण से हो जाता है ऐसा। ये देखिए, ओके ये देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब हम रिबॉल कर लेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं, और जो बॉल हमारी शॉर्ट होगी उसको हम ठीक कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसको क्लीन भी कर लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्लीनिंग करने से अच्छा होता है।
टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन जो चीज़ों को हमें सीखना है उसको सीखना है तो टाइम थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा। देखिए ऐसी गलतियाँ बहुत बार हो जाती है हम लोगों से कि हम लोग रिवॉल्व करते हैं और सब पूरा रायता फैल जाता है, तो रायते से हमें नहीं डरना है, हमें इसे साफ करना है, फिर से रिवॉल्व करना है। चाहता तो उसको एडिटिंग भी कर सकता हूँ लेकिन नहीं, एडिटिंग से करने से क्या होता है, लोग अपनी अच्छाई दिखाते हैं और जो उनसे जो भूल होती है या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझसे भी देखिए किस तरह से मैंने इतनी रिवॉल्विंग की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए इसको रिवॉल्विंग करने में देखिए यहाँ पे रायता फैल गया। तो कोई नहीं, ऐसा हो सकता है, इसको हम थोड़ा सामान कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे जो छोटी बड़ी बॉल है कटिंग कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ जो बॉल छोटी बड़ी होगी उसको हम कटिंग कर लेंगे ओके, और उसके बाद हम इसको रिवॉल्व करेंगे ठीक है। जो हो सकता है कोई बॉल छोटी बड़ी यहाँ पे है तो उसको भी कटिंग करना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं बॉल की जो ओवर साइज है उसको हमने कटिंग कर दी, अब हम इसको रिवॉल्व कर लेंगे इस तरह से। अब की बार रायता नहीं फैलेगा, चलो अब रिवॉल्व करते हैं। वहाँ हमारा बोर्ड भी जो है ठंडा हो चुका होगा लगभग, उसकी भी हम जो रिसेट सप्लाई है उसको हम चेक करेंगे। बॉल काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसे कटिंग करनी पड़ेगी, ओवर साइज होगी बॉल यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये ओवर साइज हो गई है बहुत सारी बॉल, इसमें लगता है रिवॉल्विंग मैच क्या हो रहा है, मेरा हाथ साइज सेट नहीं है जो कि रिवॉल्व ठीक से हो नहीं पा रहा है। तो फ्रेंड सॉरी, आप लोग को बहुत टाइम लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए, सबर का फल जरूर मीठा मिलेगा। एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा टाइम जो बढ़ चुका है, फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है मुझे, और मुझसे जो गलती हो रही है वो आपसे भी हो सकती है, तो निराश होने की कोई चीज़ नहीं कि हमसे ऐसा क्यों होता है, वो हर किसी से होता है। एक बार उसको फाइनल और कटिंग करेंगे एक बार, तो हमारी बॉल जो है इक्वल सब हो जाएगी, ताकि हमारा एक चांस में वर्किंग हो जाए कि कोई नहीं, हमारा जो बॉल है टोटल ठीक हो चुका है और अब हम नहीं करेंगे, हो गया। तो यहाँ लगभग हमारी जो रिवॉल्विंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इन बॉलों को थोड़ा सा हम चमका लेंगे। ओके चलिए अब हम लगाएं, अब हम सीपीयू में जो हमारी जो वोल्टेज जो हमने बोला था चेक करने के लिए उसको हम थोड़ा चेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा जो सीपीयू है ये लग चुका है, ठंडा भी हो चुका है, मदरबोर्ड वही है। तो एक तो हम कंप्यूटर में पोर्टिंग चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर में पोर्ट को चेक कर सकते हैं ओके। दूसरा हम वोल्टेज से चेक कर सकते हैं, फिलहाल कंप्यूटर मैंने भी निकाला हुआ है तो मैं इसको लगा के मैं इसका जो वोल्टेज जो हमारी आनी चाहिए 1.8 की वोल्टेज जो यहाँ पे आनी चाहिए वेरिएशन कंडीशन में, यहाँ जो रजिस्टर हमारा है वो वेरिएशन होगा यहाँ पे, वोल्टेज की जो वेरिएशन थी पहले अब इसकी सिचुएशन होल्ड में होनी चाहिए। तो यहाँ मल्टीमीटर में आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, चार्जर लगा लेता हूँ मैं, यह हमारी जो रीडिंग है वो लगभग लगभग मुझे लगता है सीपीयू वर्क कर रहा है, और यहाँ सीपीयू वर्क करने का मतलब यह है कि हमें इसकी जो वोल्टेज है उसको चेक करना पड़ेगा। तो एक साइड ग्राउंड है और मैं यहाँ पे वोल्टेज को देता हूँ, वोल्टेज हमारे स्टेबल होते कि नहीं, ये क्या हुआ, ये हमारा सीपीयू तो वर्क नहीं कर रहा लगता है। देखिए फ्रेंड्स वोल्टेज हमारी जो 1.8 वोल्टेज स्टेबल आ चुकी है, आप देख सकते हैं
दोनों तरफ आपको वोल्टेज मिलेगी। ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे स्टेबल वोल्टेज है, इसका मतलब कंप्यूटर में पोर्ट ये लेगा। अब हम यूएफएस को लगा सकते हैं, और तो ये वोल्टेज आने का मतलब है, पहले देखिए अब मैंने बताया था पहले जो वोल्टेज इसमें वेरिएशन थी, और अब इसमें जो कंडीशन है वो वोल्टेज हमारी स्टेबल आ चुकी है। तो उसका मतलब हम अब यूएफएस को लगाने के लिए तैयार हैं, और यूएफएस को लगा लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो फ़ोन है वो ऑन होता है कि नहीं। काफ़ी टाइम लग गया हमें इसे करने में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। कभी इस तरह से आपका डेट फॉल्ट आया तो आपको फिर पहले रिसेट चेक करना, फिर रिसेट से फिर रिसेट आपको नहीं मिलता तो फिर आपको पावर आईसी की जो बूट सीक्वेंस है उसको चेक करना पड़ता है, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम लगा लेंगे, थोड़ा सा पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो समझिए फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। अगर मैं इसको स्टार्टिंग से ट्रेस करता तो शायद मुझे सारा दिन लग जाता। तो उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ इसकी मार्किंग लाइन है, और हम इसको देख लेंगे ये क्या अटक गया यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। कहीं बीच में कहीं रायता ना फैला देगा, कहीं रायता फैला देगा तो फिर बहुत दिक्कत है। देखिए मार्किंग में हमने लगा लिया है डायरेक्शन में, और अब हम इसको हिट देंगे। हिट की जो कंडीशन यहाँ पे हमारी है लगभग लगभग हमारी 300, वही 300 पे लगाएंगे, 300 पिन करेंगे। ओके, यहाँ पे हम फ्रेंड्स जो हमने इतनी मेहनत यहाँ पे की है उसे हमें उसका जो फल हमें मिलना चाहिए। कंपोनेंट बहुत सारे यहाँ मिसिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा कोई कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमारा सेट डेट कंडीशन में रहेगा, तो उसको देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स और भी हैं, उसको भी हमें देखना पड़ेगा, और हमारे यूएफएस को लगा लेते हैं धीरे धीरे। यूएफएस लगता है लग चुका है, तो थोड़ा सा हम शेक करेंगे इसको स्लाइडली इस तरह से। इस तरह से, और यहाँ पे मुझे लग रहा था कोई पार्ट्स यहाँ पे था एक, तो कोई थोड़ा सा हिला हुआ है, तो उसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेंगे यहाँ पे। इसको लाइट को थोड़ा बंद कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है जो कि हिले हुए हैं, तो उसको भी थोड़ा ठीक कर लेंगे इस तरह से। ओके, और अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो कंडीशन है, और बूट को थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे अभी भी रिमूव है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कैप लगे हुए थे दो। अगर यहाँ पे कोई रजिस्टर या फिर क्लॉक से जुड़ा जुड़ा हुआ कोई चीज़ है तो उससे हमें दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज अगर ये कैप है तो हमारा हैंडसेट डेट नहीं चालू हो सकता है। तो चलिए हम देखेंगे कि हमारा जो हैंडसेट है वो चालू होता है कि नहीं। तो थोड़ा बोर्ड को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, और इंतज़ार करेंगे उस चीज़ का जिसकी हमें इंतज़ार था। हमारा फ़ोन जो हमने काफ़ी दिन से रखा था इसे, उसको हम ठीक कर पाए कि नहीं। थोड़ा ठंडा कर लेंगे, बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लेंगे। मदरबोर्ड जो है हमारा काफी गर्म है, और थोड़ा ठंडा कर लेंगे इसको। देख सकते हैं मदरबोर्ड वही है, और अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारे जो सप्लाई वाली चीज़ है, उफ शिट, यहाँ पे तो बहुत सारे कंपोनेंट जो है हमारे वो थोड़े से ये हो गए हैं। क्या हो गया, ये तो बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे थोड़े से हिल गए हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थोड़ी सी गलती हो चुकी है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कंपोनेंट जो है
हिल चुके हैं और ये कनेक्टर भी हिल चुका है। आप तो थोड़ा चेक करें, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो देखिए किस तरह से गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए थी। अब देखिए एक अच्छे टेक्नीशियन से भी गलती हो सकती है, तो मैं चाहता तो इसे इग्नोर कर सकता हूँ, वीडियो दूसरा बना सकता हूँ या फिर इस वीडियो को नहीं भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। हम लोग को काम को जो है सक्सेस तरीके से करना है। यहाँ आप देख सकते हैं, और इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, जो चीज़ें हमारी जो हमने गलत की है यहाँ पे। चलो थोड़ा पेस्ट दे देंगे यहाँ पे, ये तो जो हमारा फॉल्ट है वो ठीक नहीं होगा, वो और बढ़ जाएगा इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे हीट, और यहाँ पे हम अपना जो इसको ठीक करेंगे। देखिए इस तरह से किसी से भी हो सकता है, तो कोई नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरह से जो होता है वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक जो हमने जो गलती की है, इसकी वजह से हमें लेट भी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन लास्ट ऑफ दी हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो हमारा जो फॉल्ट जो भी क्रिएट होते होते बच चुका है, और फिर से हम जो है रिसेट वगैरह चेक कर सकेंगे करेंगे, और चार्जिंग का जो सीक्वेंस है उसको चेक करने, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक शॉर्ट हो चुका है कंडीशन यहाँ पे। यहाँ शॉर्टिंग की कंडीशन आ चुकी है, तो काम इस तरह से बढ़ जाता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि काम हमारा जो कि बढ़ चुका है फिलहाल, जो गलती हमने यहाँ पे की है, मतलब हमें एक्चुअली मदरबोर्ड पीछे साइड से ओपन है ये हमें पता रहना चाहिए आज पहले से। चलो यहाँ पे इसको भी ठीक कर लेते हैं। शायद यहाँ पे इस कनेक्टर को भी ठीक से बिठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारा दिक्कत करेगा। बड़ा ढीठ है कनेक्टर, बैठता नहीं है। तो चलो ठीक है, लगभग बैठ चुका है, लेकिन बहुत ढीठ पंती करता है। चलो फ्रेंड्स बोर्ड को एक बार अच्छी तरह से थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ी आई टेस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में कहीं पे कुछ दूसरा कुछ फॉल्ट हो गया है कि नहीं, फिर कुछ हिल गया है कि नहीं। फिलहाल तो ठीक है, लेकिन हमने जो टाइम जो बढ़ा दिया इसकी वजह से हम इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। देखिए बैक साइड में देख लेते हैं, हमें जो मदरबोर्ड को एक्चुअली हमें जो लगाना चाहिए था उस तरह से लगाना चाहिए था, क्योंकि जो हमारा टाइम जो हमारा जो नष्ट हुआ है इस तरह से, तो यहाँ पे जो चीज़ें जो हमने जो गलती की है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है फिलहाल, तो यहाँ बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अभी भी बोर्ड को लगाया हमने, गलती की कोई माफी नहीं है यहाँ पे, गलती की तो हैंडसेट डेड।
यहाँ पे गलती की तो हैंडसेट हमारा डेड। देखिए अगर मैं अगर नहीं देखता इन चीज़ों को तो शायद मे भी और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो भी हो सकती थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखना बनता है कि मदरबोर्ड इस तरह से साफ कर लेना है। तो यहाँ ठीक है, हम अभी देखते हैं मदरबोर्ड को चेक करते हैं, यहाँ मदरबोर्ड को लगा लेते हैं और इसका फिर से बूट सीक्वेंस की जो चीज़ें हैं उनको चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप तो यहाँ पे बूट सीक्वेंस की जो चीज़ है उसको हम चेक कर लेंगे और हम ये भी देखेंगे हमारा जो मदरबोर्ड है। देखिए काफ़ी सारे कंपोनेंट यहाँ मिसिंग है। अगर वो कैपेसिटर हैं क्योंकि तो फिल्टर का काम करे तो हैंडसेट हमारा ऑन तो होगा, बाद में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ हम चार्जिंग का जो पत्ता है उसको लगाएंगे ताकि हमारे चार्जिंग का जो बूट सीक्वेंस है वो हमारा पता लग सके। तो देखते हैं हमारा जो हैंडसेट है वो अभी चालू होता है कि नहीं और क्या कंडीशन यहाँ बनाता है उसको हमें चेक करना है। तो यहाँ हैंडसेट तो हमारा चालू अभी तक हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि हमारी जो बैटरी है वो डाउन हो सकती है, लेकिन हमें चेक करना है फिलहाल। जबकि यहाँ पे हमारा हैंडसेट है अभी भी चालू कंडीशन में नहीं है। शायद हो सकता है जो हमारा चार्जिंग कंडीशन में नहीं है इसकी बैटरी को भी ज़रा देखेंगे कि बैटरी शायद में भी वोल्टेज बैटरी की कितनी है उसको थोड़ा देख लेंगे। लगता है क्या इसका 3 पार्टी बनाना पड़ेगा लगता है मुझे, तो कोशिश करेंगे कि बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे नहीं लगे हुए हैं। तो यहाँ इसकी बैटरी की वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं एक बार कि बैटरी की वोल्टेज कितनी है, और यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज को लगा के हम चेक करते हैं। तो बैटरी की वोल्टेज यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 है जो कि ठीक नहीं है। तो डीसी मशीन पे देखते हैं एक बार ये फ़ोन हमारा ऑन होता है कि नहीं, क्योंकि डीसी मशीन में ये ऑन नहीं होता एक्चुअली। और ठीक है हम देख लेते हैं फिर भी, अगर बाई चांस अगर ऑन हो जाता है तो फिर अच्छा होगा, हमें बैटरी चार्ज नहीं करनी पड़ेगी, बैटरी को हम चार्जिंग कंडीशन में लगा देंगे। यहाँ दिक्कतें तो हमारी बहुत सारी हो गई हैं एक्चुअली। यहाँ इस फोन से इस सिम से हमारी जो बैटरी चार्ज नहीं होगी एक्चुअली। तो क्या किया जाए फ्रेंड्स, अभी फिलहाल हमें बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा उसके बाद। तो थोड़ा सा देख लेते टाइम लगा के और मैं देखता हूँ कोई दूसरी बैटरी भी अगर मेरे पास होती है तो हम उसको चेक कर लेंगे। ओके ओके X2 का फ़ोन है ये वाला और ये हमारा वही मदरबोर्ड है। तो थोड़ा सा हम बैटरी को चार्ज कर लेंगे फ्रेंड्स, मेरे पास तो कोई दूसरी बैटरी भी नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं फिलहाल। कोशिश करता हूं मैं कोई अगर बैटरी मेरे पास है क्या, तो शायद एक बैटरी मेरे पास है तो उससे लगा के शायद मैं थोड़ा चेक कर सकता हूँ, देखता हूँ मैं अगर कर पाता हूँ तो। यहाँ मेरे पास एक पोको X3 है, इसको लगा के मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि ये ऑन होता है कि नहीं। फिलहाल फ्रेंड्स इसमें भी फोन ये ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत तो हो रहा है इसमें भी। तो बैटरी को मैं चेक चार्ज करूंगा और फिर मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पे
कुछ ना कुछ तो दिक्कत यहाँ पे है, लेकिन हम कंप्यूटर में पोर्ट चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर कंप्यूटर में पोर्ट अगर लेता है तो या क्वालकॉम मोड पे या फिर क्या है, और इसका जो सिचुएशन है उसको भी देख लेते हैं। हमारी जो यहाँ पे हम देख लेते हैं, फिलहाल हम एक ही चीज़ चेक कर सकते हैं यहाँ पे, हमारा जो रिसेट है वो ठीक है कि नहीं। रिसेट से हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा बोर्ड में जो भी दिक्कत नहीं है। देखिए सीपीयू लगाने के बाद फिर कोई इसमें दिक्कत आ गई है इसमें, यहाँ पे जो हमारा जो रिसेट बन रहा था वो बन नहीं रहा है शायद। यहाँ आप देख सकते हैं, यह हमारा रिसेट नहीं बन रहा है। 2.9 वोल्टेज रिसेट क्यों नहीं बन रहा है? रिसेट नहीं बन रहा है इसका मतलब ये है कि हमारा जो आईसी है वो हीट हो रहा है, पावर आईसी एक्चुअली हीट हो रहा है। ठीक है, हीट हो रहा है इसलिए वो हमें देखना है यहाँ पे कि क्या दिक्कत यहाँ पे हुई है। दिक्कत ये हुई कि हमारा वो हिलने की वजह से ये आईसी हमारे हिल चुकी है। चलो दोबारा से हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि रिसेट जब तक नहीं बनेगा तो हमारा काम नहीं करेगा। ये तो ऑलरेडी यहाँ पे तो काफ़ी दिक्कत हो गई हमारी। चलिए फिर से हमें लगता है मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक करता हूँ, मैं इसका तीसरा पार्ट बनाऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा आपको, मैं फ़ोन ऑन करके दिखाऊँगा इसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। अब क्या इसमें शॉर्टिंग हो चुकी है उसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू।